पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे आमेन। ईश्वर को धन्यवाद हेउ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आज आसतु मार्क लिखित सुसमाचार अध्याय एक पद संख्या 29 रु 39 पर्यंत आम शुणा। तत्परे से माने समाज गृह रु बाहरी जाकोब व जहनों संगे सिमोन वांद्रिय गृह को गले। सिमोन शाशु ज्वर से शज्जाशायी थिले। सेमाने तांको विषय जीशु को कहिले वो से आसी तांको हाथ धरी उठाइले। सही क्षणी तांकर ज्वर छाड़गला एवं से मानकर परिचर्या करने को लगे। संध्यारे सूर्यास्त समय रे लोके समस्त पीड़ित भूतग्रस्त लोकंकु तांको निकट को आणिले। समस्त नगरवासी द्वार सम्मुखरे को एकत्रित हेले। से विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त अनेक लोकंकु सुस्थ कले एवं अनेक भूतंकु विताड़ित कले। से भूतमानंकु कथा कहिबाकु अनुमति देउ नथिले कारण सेमाने तांकु जानिथिले। प्रत्युषरे अंधार थाउ थाउ से उठी गोटे निर्जन स्थान को जाई प्रार्थना कले। सिमोन तांको साथी माने जीशु को खोजिबाकु बाहरिले। सेमाने तांकरो देखा पाई तांकु कहिले समस्ते आपणंकु खोजुछंती। से सेमानकु कहिले आसो आमे पड़ोसी शहर को जीवा मु सेठारे मध्य प्रचार करिबी कारण मु सेथि निमन्ते आसी अछि। से समग्र गालिली रे भ्रमण करी सेमानको समाज गृह गुड़ी करे सुसमाचार घोषणा कले एवं भूतमानकु विताड़न कले। ख्रीष्टंक जगरे मोर प्रिय भाई ओ भूणी माने आज मार्क लिखित सुसमाचार रे आम्भे माने सुंदर भाव रे जीशु किपरि भाव में अनेक रोगग्रस्त लोक मान सुस्थ करुछंती ताहार प्रमाण आम देखा पाऊ। आज आम देखिलु जीशु जाकोब जोहन सिमोन तांकर भाई आंद्रू को सहित सिमोन को गृह को जाऊे। एठारे व्याख्या करिबा कि काहेकि मार्क एही केते जणकर नाम उल्लेख करुछंती। विशेष भाव में अनेक जगार आम्भे माने मार्क लिखित सुसमाचार देखा पाइबा मार्क निजे एही शिष्य मानकर नाम उल्लेख करुछंती कि जीशु सेमानको सहित जाउछंती। आमने जानिपारिबा पांच अध्याय 37 पदरे सेमानकर नाम उल्लेख करिछंती। आहुरी आमे जानिपारिबा 9 अध्याय 2 पदरे मध्य मार्क सेमानकर नाम उल्लेख करिछंती। आहुरी प्रिय भाई भोनी माने आमे जानिपारिबा 13 अध्याय 3 पदरे मध्य मार्क सेमानकर नाम उल्लेख करुछंती। एही भाव रे विशेष भाव रे मार्क एही तीन जन शिष्य मानकर सिमोनक व्यतीत जाकोब जोहन एवं आंद्री ए मानकर नाम से उल्लेख करुछंती। तार अर्थ एही जे विशेष भाव रे जीशु ख्रीष्ट एही मानक सम्मुख रे गोटे निदर्शन से सदाबेले प्रदर्शन करुछंती। कौन पाई मार्क सुसमाचार पूरा जदि आम पढ़ा आम जानवा पाइबा मार्क जीशु को मसीह बोली व्याख्या करने मसीह बोली ख्यात करने एवं मसीह से निजे आसी बोली स्वीकार करने से यहीपरी लेखा लिखती। मार्क सुसमाचार लिखबार उद्देश्य से जनवा चाहती जे जीशु मसीह अटंती बोली। तेणु विशेष भाव में यही मानक सम्मुखें जीशु मसीह हेबार गोटे जुक्तिजुक्त से योग्य अटंती बोली सम्मुखें जीशु अनेक निदर्शन प्रदर्शन करुछंती बोली मार्क विशेष भाव में शिष्य मानकर नाम को उल्लेख करुछंती। आहुरी आमे देखिबा सिमोन पितरंक शाशुमा ज्वर से शज्जाशायी थिले हेले से तांकु हाथ धरी उठाउछंती हाथ धरी उठाउछंती। हेले ओडिया बाइबल रे आमे देखिबा को पाउछु से हाथ धरी शाशुमा को उठेले किंतु ग्रीक रे लेखा अछि एगेइरो। हेले ग्रीक रो शब्द होउछि एगेइरो ताहारो प्रकृत रो अर्थ होउछि जो माने मृत्यु रु उठिबे सही समय रही एही शब्द व्यवहार करा जाए। एगेइरो शब्द उठिबा शब्द व्यवहार करा जाए विशेष भाव में मृत्युरु जदि किए उठुछंती
मरीगला परे से जदि पुणी उठुची ताहले एगेर शब्द व्यवहार करा जाए। एही शब्द मार्क आज व्यवहार करुछंती। जदियो जीशु पितरंकर शाशुमा को जरूर उठाउछंती आ जरूर उठेबा शब्द अलग अटे, किंतु मार्क पुनरुत्थित होउथिबा शब्द को से एठार व्यवहार करिछंती। यहार कारण होइ पारे कि सही समय रे सही प्रथम मंडली जीशुंकर ख्रीष्टियान मंडली प्रथम मंडली एही जीशुंकर पुनर्थान को ही विशेष भाव रे से माने चिंता करुथिले, ध्यान करुथिले। एही परि भाव रे प्रथम मंडली जीशुंकर पुनर्थान पर्व को विशेष भाव रे पालन करुथिले। तेनु करी मार्कंक अनुजाई से सही जीशुंकर पुनर्थान को स्मरण करिबा निमन्ते एही शब्द से व्यवहार करुअछन्ति। एवं से माने मध्य प्रथम मंडली मध्य विश्वास करुथिले कि से माने जीशुंक सहित तीन रा दिने पुनरुत्थित हेबे। प्रिय भाई भणी माने तेनु करी मार्क विशेष भावरे एही अर्थ को व्यवहार करते। अनेक जगारे आमे देखि पारिबा मार्कंक सुसमाचार 14 अध्याय आम माने देखिले 28 पदरे मध्य एही अर्थ व्यवहार करा जायछि। 16 अध्याय 6 पदरे मध्य एही अर्थ व्यवहार करा जायछि, एही शब्द व्यवहार करा जायछि। सेहि परे आमे देखिबा प्रथम करंतियो साधु पाउल मध्य 15 अध्याय 4 पदरे सही शब्द व्यवहार करुअछन्ति। आहुरी आमे देखिबा प्रेरित ग्रंथरे मध्य देखि पारिबा 3 अध्याय 15 पदरे सही शब्द व्यवहार करा जायछि। ताहले आमे जानि पारिबा जे से माने जीशुंकर पुनर्थान को स्मरण करुथिले एवं निजे विश्वास करुथिले कि से माने मध्य जीशुंक सहित पुनरुत्थित हेबे। एही अर्थरे सेठार व्यवहार करा जायछि। तापरे प्रिय भाई भणे माने आमे देखि पारिबा से ही आश्चर्य कर्म हेला परे जीशु ख्रीष्ट को आमे जानि पारिबा कि अनेक रोगी लोक मानकु तांको निकट को आनी अछन्ति। एवं तन मध्य रे आमे देखु अछु पितरंकर सासुमा समस्तंकु जीशु को एवं तांकर शिष्य मानकु से सेवा करिवारे आरंभ कले, सेमानकु चर्चा करिवारे आरंभ कले, परिचर्या करिवाकु आरंभ कले। यार अर्थ एही जे तांकर सासुमा पूरा पूरी सुस्थ हेले, कंप्लीट हीलिंग। जीशु तांकु हाथ धरे उठेले, तार अर्थ जेतेबेले से सेवा आरंभ कले, सेवा आरंभ करिवा माने तारे ताहले सासुर पूरा पूरी जोर छाड़ी जाय अछि, कंप्लीट हीलिंग, पूरा पूरी से सुस्थता पाई अछन्ति। जदि टिके टिके हेथांता से साहाज्य करि पारि नथांते, किंतु सेमानकु पूरा पूरी सेवा करिवा को आरंभ करि अछन्ति माने से पूरा पूरी सुस्थता लाभ करापरी पर आम देखु अनेक लोक मैंने जीशुंक निकट को रोगी मानू भूत ग्रस्त लोक मानू जीशुंक निकट को आनी अच्छा एवं जीशु समस्त को सुस्थता देखते। प्रिय भाई भणी मैंने आम जापर कि जीशु ख्रीष्ट पाखक कही हेले आसती खाली हाथ में जाती ना कौन से उद्देश्य नहीं आसिले आमे मध्य यदि जीशुंक निकट को कौन से उद्देश्य नहीं आसीअु विश्वास सहकारे आसुचु ताले जीशु ख्रीष्ट आम मान को केबे हेले मना करिबे नाही, निहाती आम मान को आमर उद्देश्य से प्रदान करिबे। तेबे आमर विश्वास अनुसार तांको पाख को जीवा जेपरी एही रक माने जीशुंक निकट को जाइथिले। तापरे से भूत मान को वितारण कलापर से मना करुथिले, अनुमति देउनथिले तांको विषय कहवापाई कहीं भूत मैंने जानी हेले जीशु कौन पाए मना करती। अनेक बार व्याख्यार मु कहे आमे भल लोक, आमे समस्ते जानवा लोक, आमे हूँ ईश्वर सतान, आमे महिमा गुणगुण गाइवा कथा, कहीं भूत मैंने गाइबे सैतान मैंने कहीं आम ईश्वर सतान आम गुणगान गाइवा। यार अर्थ मधरीपे कि आमे ईश्वरंकर संतान माने तांको जानिबा उचित, तांको विषय रे प्रचार करिबा उचित। आमे प्रचार करूना भीतम भूत माने करिबे, शैतान माने करिबे, ताहा कदापि भलो हेबो नै। तेणु करे प्रिय भाई भणी माने आसंतु आमे माने जीशु ख्रीष्टंक विषय रे सारा जगत रे प्रचार करिबा पई बाहरी पडिबा, शैतान माने नहो, आमे समस्त ईश्वरंकर संतान माने। तापरे आमे देखुअछु से प्रत्युषरे प्रार्थना करिबाकु जाउछन्ति। से जितेबले प्रार्थना करने को जाऊँगी तार अर्थ कौनसी प्रोग्राम कौनसी कार्य कौनसी गोटे महान कर्तव्य से पालन कला बेले सदा सर्वदा प्रार्थनारत रोचु। प्रार्थना दरकार थिला कि से तो निजे ईश्वर अटंती आउ प्रार्थना करने दरकार अच्छे
दरकार ना प्रिय भाई भोनी माने से आंभ मानको सिखाओ छंती आंभ मानकर दैनंदिन जीवन रे मनुष्य होई से अवतारित हेले आम रूप नेले अर्थात आमको से सिखाओ छंती तुम्हें मनुष्य होई तुम्हें केते प्रार्थना करबा आवश्यक अटे हेले आमर जीवन रे दैनंदिन जीवन रे सब कार्य रे आमे ईश्वर को स्मरण करी तांको ठारो आशीष अनुग्रह भिक्षा करबा आमर दायित्व अटे तेणु आमे समस्ते कौनसी कौनसी कार्य सदा सर्वदा ईश्वर ठारे सदा सर्वदा प्रार्थना करिबा एवं से तांको ठारु अनुग्रह आशीष भिक्षा मागिबा तापरे आमे देखुछु प्रिय भाई ओ भोनी माने शिष्य माने तांको खुजी खुजी आसुछंती एवं कहुछंती समस्ते आपण को खोजुछंती से माने जीशु को कहुछंती आपण को समस्ते खोजुछंती प्रिय भाई ओ भोनी माने मार्कंको द्वारा लिखित सुसमाचार एही खोजिबार अर्थ ग्रीक रे आम्भे माने जानि पारिबा ताहा होची जेतेइन ग्रीक रो शब्द जेतेइन एही शब्द को से व्यवहार करिछंती हेले मार्क काहे के एही शब्द को व्यवहार करुछंती प्रिय भाई ओ भोनी माने एही शब्द रो अर्थ जदी आम्हे काहा को खोजुछु ताहाले तांको ठारु किछि लाभ पाइबा निमन्ते आम्हे खोजुछु जे कोनोसी मते तांको ठारु किछि ना किछि पाइबा आशा रे आमे खोजुछु हेले एही आशा रे खोजुथिबा लोक मानंको द्वारा जीसुंकु से माने जणुछंती शिष्य माने कि लोक माने तांको खोजुछंती कोन पाए निजरो सुविधा पाए निजरो सुजोग निजरो सुविधा पाए निजे कोन हेले पाइबे कोन हेले गुटे आशा अछि ताहा पाइबे तेनु करे से माने खोजुछंती हेले एठारे दुई दुई प्रकार आमे व्याख्या करि पारिबा पॉजिटिव रे नेगेटिव रे पॉजिटिव रे कोन आमे जीसुं को पाखो को आसीबा अर्थ होची आमो पाखरे निहाती कोनोसी कोनोसी ना आशा होची जीसुं को पाखरु पाइबा निमन्ते आम मानकर दैनंदिन जीवन रे कि रोगरु आमे सुस्थता पाउ कि आमो घरे शांति हो कि आम मानकर दैनंदिन कार्यकलाप रो फलाफल सुंदर भावरे हो कि आम्भे माने आज दिन रे आमे शांति श्रृंखला रे कटि पारिबा कि आम्भ मानको गृह रे शैतान आक्रमण न करू एही परि भाव रे अनेक आशा आम्भ मानको जीवन रे रही छि तेनु एही सब आशा नै आमे जीशुंको पाखो को आसुचु सत किंतु आमे जदि खाली आमे आसुचु आशा नै पाइबा पई खाली पाइबा पई देबा को नै आमे खाली पाइबा पई आसुचु ताहले एटा प्रकृत रे सत्य आशा हेइ न पारे आमे खाले पाइबा को लालसारे आमर खाले सब बड़ी इच्छा पाइबा पाई आमे मध्य क्रिश्चियन हे जीसु जेमिति देउछंती आमे मध्य सही देबार आसारे रहिबा उचित आमे मध्य अनुमान को कौन देउछु आमर दैनंदिन जीवन रे आम मान को पाखरे अनेक किछि अछि धन संपत्ति नथिले मध्य आमर निजर कार्य द्वारा अन्य मान को सहाय्य करि पारिबा अन्य मान को किछि ना किछि देई पारिबा एही आशा आम्भ मानको पाखरे थिबार अछि जीशुंको पाखरु आमे नेला परे आमे सेही अन्य मानको देबार अछि सेही जिनिष अन्य मानको देबार अछि जीशुंको पाखरु आमे अनुग्रह मागुछु माने सेही अनुग्रह अन्य मानको बांटिबार अछि हेले जीशुंको पाखरु नेबा एवं अन्य मानको बांटिबा देबा एवं नेबा एवं देबा एहा होछि ख्रिस्टियन रो धर्म हेइ पारे आम्भ मानकर कार्यकलाप हेइ पारे ताहाले आमे उत्तम ख्रिस्टीय बोली विवेचित होइ पारिबा अन्य मान को आमे सर्वा सदा सर्वदा देबा सबु किछि रे आमने सहाय्य करिबा खुला मन प्राण रे खाली पाइबा सारे नहि आमे खाली देबार अछि आमे सर्विस करिबार अछि तेन करे जीशु ख्रीष्ट कहुछंती मु सेवा पाइबा को नहि सेवा करिबा को आसि आमे सेवा करिबा ख्रिस्टियन भाई भोनी माने हेले एही शब्द प्राय मार्क लेखिछंती या खाली लालसा आशा नहि शिष्य माने कहुछंते आपणको खोजुछंते तेणु जीशु जाणिछंते तेणुकर से कहिले आसन्त आमे अन्य गाँकु जीवा सेठारे मध्य मते धर्म प्रचार करबाको अछि सेठारे मध्य मते ईश्वरको बाणी प्रचार करबाको अछि तेणुकर शिष्य मानको धरि अनेक गालिलेर तांकर समाज गृहरे आहुरि प्रचार करि भूतमानको वितारण कले प्रिय भाई भोनी माने आसन्तु एही सुसमाचार द्वारा ईश्वर मानको आशीर्वाद करन्तु आमे मध्य एही परे जीशुंको ठारु शिक्षा पाइबा उचित उत्तम ख्रिस्टियन होई उत्तम कैथोलिक भाई भोनी होई अन्य मानको सहाय्य करिबा अन्य मानको पाई बाणी प्रचार करिबा जीशुंको पाखको आसीबा समस्त उद्देश्य नै आउ कहा पाखको जेबा नै जीशुंको पाखको आसीबा एही सबु शिक्षा आम पाई हो एवं ईश्वर आम समस्तंकु आशीष अनुग्रह प्रदान करंतु समस्तंकु जय जीशु प्रेस्तला।